जन अधिकार पार्टी के द्वारा जिला महासचिव गंगा गौतम जी के आवास बिहट में जिला संवाद सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें आगामी विधानसभा चुनाव पर विशेष रूप से चर्चा किया गया, जिस पर प्रदेश एवं जिला के नेताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। सम्मेलन की अध्यक्षता युवा शक्ति के जिला अध्यक्ष अंजय कुमार पासवान जी कर रहे थे। वहीं मंच संचालन तेघरा अनुमंडल अध्यक्ष सुबेश कुमार जी कर रहे थे। वहीं मंच पर उपस्थित प्रदेश सचिव सीताराम केसरी, प्रदेश उपाध्यक्ष आशुतोष यादव, प्रदेश सचिव दिलीप कुमार सिंह, प्रदेश सचिव सुधांशु बाबू, महिला जिलाध्यक्ष मुन्नी देवी एवं कार्यकर्ताओं ने संगठन के मजबूती के लिए अपनी अपनी बातें रखी। हमारी पार्टी चुनाव के दंगल में उतरने के लिए तैयार है, बिहार की जनता की सेवा करने के लिए तत्पर है। इसलिए आज हमारी पार्टी का पूरे जिला कमेटी का सारे सदस्य, सारे अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। सम्मेलन किया गया है बीहट ग्राम में और गौतम बाबू के निवास स्थान पर। उनके हिसाब से सुना, यहाँ आबादी जनसंख्या जो है 3000 के समथिंग है। यहाँ किस किस जगह से लोग आए हैं? यहाँ जिला के 18 प्रखंड से आए हुए हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम सुधांशु कुमार यादव है, मैं जन अधिकार पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। आज जिला जनसंवाद कार्यक्रम था, सभी गांव की ओर उसमें सारे साथी उपस्थित थे और हमें अब्दुल यादव दर्शन जी का हमें संविधान बचाने की बात करनी है। हमें अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा युक्त, सुसंस्कृत बनानी है। इसलिए हम एक नए रास्ते के साथ एक नए साथी आदरणीय पप्पू यादव, नए बिहार की कल्पना करते हैं, उनके साथ में चल रहे हैं और पूरे बेगूसराय को, पूरे बिहार को एक नई दिशा, भ्रष्टाचार पर मुक्त बिहार, बाढ़ हिंसा मुक्त बेगूसराय बिहार बनाने का एक संकल्प है। इसी को लेकर दुर्गा युक्त बिहार बनाने का संकल्प, इसी को लेकर के यह कार्यक्रम था। क्या नाम हुआ? दिलीप कुमार सिंह, प्रदेश महासचिव।